हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं अपने ब्लूटूथ हेडफोन को, जो कि ये आपके सामने पड़ा हुआ है। ये ख़राब हो चुका है ब्लूटूथ हेडफोन, तो मैं इसमें बताऊँ ख़राब क्या हुआ है। असल में मेन तो यही ख़राब होता है कि अपना जो हेडफोन के स्पीकर्स होते हैं उनके तार टूट जाते हैं, ठीक है। तो हम उसे तार को रिपेयर करना सीखेंगे आज हम अपने ब्लूटूथ को, ठीक है। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल टेक वर्सेस साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए इस लाल कलर के बटन को दबाकर, और बेल आइकन को जरूर दबाइए हमारी लेटेस्ट चीज़ को बनाने के लिए। हम अपने ब्लूटूथ हेडफोन को बनाने के लिए देखिए क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा हमें। हमें सबसे पहले चाहिए एक ब्लेड, ठीक है। एक हमें चाहिए ये पेच कसने वाला, लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, कोई भी मतलब चीज़ का इस्तेमाल करिएगा, ये खोलने के लिए है। असल में हम स्पीकर खोलेंगे क्योंकि हम लोग का स्पीकर का जब तार है वो टूट चुका है, ठीक है। तो स्पीकर का तार हम इससे खोलेंगे, देखिएगा कैसे खोलूँगा। उसके बाद हमें चाहिए शोल्डर वायर्स, और शोल्डर आपको पता ही है, और जो वायर ख़राब हो गई है वैसे ही वायर लीजिए दूसरे हेडफोन का, जिसमें दो दो वायर्स दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पर, दो वायर्स वाली, ठीक है। तो अब बताता हूँ, एक और चीज़ रहेगा फ्रेंड्स, माचिस, ठीक है। इसे क्या करना है, जला कर इस तारों को जलाना है। जलाने के बाद देखिए क्या करना है आपको, जलाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है अपने, बस ये जो तार होंगी इस पर ब्लेड की हेल्प से, ब्लेड का बस इतने काम है, ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो जो आपके वायर्स होंगी ये साफ साफ आपको बाहर दिखाने लग जाएंगी यहाँ पे, ताकि इस पर आराम से सोल्डिंग हो पाएगा अपना। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए, एक मिनट। हाँ, देख सकते हैं आप, जो हमारे जलने के बाद कवर था वो साफ़ हो चुका है, ठीक है। तो ब्लेड का बस इतना ही काम था, माचिस का भी इतना ही काम है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये तार फाड़ दी है यहाँ से यहाँ तक। जानते हैं क्यों फाड़ा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये तार असल में टूटी कहाँ से। तो बाद में पता लगा कि ये जो तार है बिल्कुल हम लोग के स्पीकर का, यहाँ पर वाइट वाइट आपको धागे टाइप का सिर्फ दिखाई दे रहा है, और एक है जो रेड वायर है, एक अपनी येलो वायर है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है धागा है सिर्फ, तार हमारी ये देख सकते निकल गई है। तो हमारा मेन तार यहाँ से टूट गया था, इसलिए हमें तार को चेंज करना होगा। तो देखिए इसे खोलना कैसे, फिलहाल तो मैंने इसे खोल दिया है, ठीक है। तो खोलने के लिए दिखा बता दूँ क्या करना था आपको, जो ये जॉइंट होगा, मान लीजिए ऐसे जॉइंट होगा ये, तो आपने ऐसे ही तीखी चीज़ कोई भी चीज़ ले लेनी है। फिलहाल तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ ऐसे लगाना है, ठीक है, ऐसे। जो हाथ दूर रखना है, वरना हाथ में ये जो तीखा चीज़ लिए होंगे आप, हाथ में लग सकता है, ठीक है। तो दूर रखना है, और इसे अब तक ज़मीन पर रख कर ऐसे लगाइए, अब कोई हल्की सी चीज़ से मारेंगे तो हल्का सा अंदर चला जाएगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, वरना स्पीकर जो होता है आपका ये फट जाएगा, तुरंत ख़राब हो जाएगा, फिर आपका हेडफोन नहीं बन पाएगा। तो मैंने इसे खोल लिया है, आप भी आराम से इसको किसी की, यदि आप छोटे हैं तो किसी बड़े की सहायता से खोल लीजिएगा, ठीक है, फोन के जो स्पीकर्स होंगे उसको, ठीक है। ये पार्ट में से आप जो तार होगा ये निकाल देंगे, ठीक है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि ये जो तार दिखाई दे रहा है, हम क्या करते हैं आलस से, हम क्या करते हैं इसको खींच के निकाल देते हैं, ठीक है। तो कई बार होता है चलिए निकल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रीन कलर के आपको प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये ग्रीन कलर की प्लेट्स हल्की दिखाई दे रही है जो यहाँ पे, ये उखड़ जाती हैं, उसके बाद हमारा हेडफोन बनाना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसा नहीं करिएगा, थोड़ा सा बस शोल्डर को गर्म करना है अपने, और ऐसे हल्का सा लगा के इसे निकाल देना है, ठीक है। तो मैं निकाल ले रहा हूँ इसको, ठीक है, ये निकल गया अपना, देख सकते हैं अब यहाँ पे इसको सही से हम सही कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, उसके बाद जो तार को हमने जलाकर उसे ब्लेड से साफ किया था, उस तार को हम इसके ऊपर ऐसे सोल्ड कर देंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, उस तार को सोल्ड देख लीजिए कैसे करना है। आपने ज़्यादा टाइम तक इस पर जो शोल्डर को है चिपका कर नहीं रखना है, वरना इससे आपकी स्पीकर जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरे स्पीकर को भी कर लेना है आपने। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे सोल्ड कर लिया, अब क्या करेंगे, हम इस कैप के अंदर इस तार को अच्छी तरह से ऐसे डाल लेंगे, ठीक है। ऐसे डालने के बाद इसे आराम से खींचना है, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे तार को बांध लीजिएगा, ताकि तार खींचेगी तो अंदर से नहीं टूटेगी, ठीक है। ऐसे बांधने के बाद जैसे आपका ये हो जाएगा, इसको खींच के अंदर ऐसे, और इस हम को इसको फेविक्विक से मदद से वापस बिठा देंगे, ठीक है। तो मैं इसे बिठा लेता हूँ, फिर
उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप इसे फेविक्विक से चिपका लेंगे, आपके जो हेडफोन है ऐसे दिखने लग जाएंगे दोबारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हेडफोन के एंड वाला दोनों पॉइंट्स है, अब हम अपने ब्लूटूथ के जहाँ से ये टूटा हुआ है, ये देखिए टूट गया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी नहीं है, उखड़ गया है, यहाँ पे है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ही रहा। तो अब हम इन दोनों को इस एक साइड पे, यहाँ एक इस साइड पे दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसे बहुत आराम से धीरे से खोलेंगे, ध्यान रहे कुछ टूटे ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं आप, इसे हमने खोल लिया है, इसे आपने भी इसी तरह खोलना है और आराम आराम से खोलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप जल्दी जल्दी खोलेंगे इसे तो हो सकता है कि कोई तार टूट जाए और उस तार को टूटने के बाद आपको उसे जोड़ने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तब खुल गया है, आप देख सकते हैं, आप ध्यान से यहाँ देखिएगा कि तार आपकी कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है। एक हमारा हेडफोन का तार ये रहा और दूसरे हमारे हेडफोन का तार ये रहा। हम क्या करेंगे, इसे धीरे से ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे ओपन करना है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने पूरा स्पीकर का जो हमारा है ब्लूटूथ का खुल चुका है। तो देखिए अब आपने क्या करना है, आपने सोल्डरिंग की मदद से इन दोनों तारों को छुड़ाना है जो कट के हट चुकी हैं। देख लीजिए ये कहाँ कहाँ है, ये रही दोनों तारे, यहाँ कौन पे है तो यहाँ पे है। ठीक है, ये रही, तब इसे हम हटा लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो हेडफोन है पूरी तरह से जुड़ चुका है, जहाँ पर जोड़ना था हमने वहाँ जोड़ लिया है, जहाँ पर आपके ब्लूटूथ में जोड़ना हो वहाँ जोड़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे ये हो जाए उसको आपने अब दोबारा इसके अंदर फिक्स कर देना है, इसके कवर के अंदर। तो चलिए हम इसको फिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही आपका सब कुछ हो जाएगा, आपका फ़ोन कुछ वापस जो मतलब ब्लूटूथ है वैसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे चालू करके चलता है कि नहीं है। ये ऑन ऑफ का बटन, इसे ऑन करते हैं। यहाँ देख सकते हैं लाइट जलने लग गई है, यानी हमारा हेडफोन वैसे काम कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे स्पीकर भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इसे तो मैं दिखा नहीं सकता काम कर रहे हैं कैसे आपको, तो जब आप बनाएंगे तभी आपको पता लगेगा वैसे तो। लेकिन ये जो मैं अभी गाने सुना इससे तो ये काम कर रहा है फिलहाल। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। एक और बात बता दूँ फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी एक और वीडियो जो मैंने थोड़े दिन पहले अपलोड की थी कि हेडफोन की मदद से जो पहला अपना यूट्यूब माइक है वो कैसे बनाए, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। और प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।